गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये नेक्स्ट एप्लीकेशन था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पिछले वीडियो में देखा, अभी देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें देखो क्या होगा। देखो नेम सजेस्ट क्या बोलता है, मैक्सिमम मतलब कि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू कब आपको चाहिए होती है और मिनिमम वैल्यू कब आपको चाहिए होती है, जैसे कि आप देखो कि मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं कभी प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट तो मिनिमम चाहिए होगा, नहीं ना, मैक्सिमम चाहिए ना प्रॉफिट। तो मैक्सिमम क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट हमेशा क्या चाहिए, मैक्सिमम। और लॉस क्या चाहिए, मिनिमम। तो ऐसे एम्पल केसेस हैं, इतने केसेस हैं जिसमें आपको मैक्सिमम की जरूरत पड़ती है, मिनिमम की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखो कोई भी आप चीज डिजाइन कर रहे हो, मानो कोई भी आपने पार्ट डिजाइन किया, किसी कार का कोई पार्ट आपने डिजाइन किया, उस पार्ट को अगर आपको डिजाइन करना है तो आप चाहोगे कि उसमें स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो वो मिनिमम हो, ताकि ड्यूरेबिलिटी जो है उस पार्ट की बनी रहे, है ना, वो ड्यूरेबल हो पार्ट। ऐसे ही अगर आप कहीं और अगर आप बोलो कि भाई वर्किंग आवर्स या आप कहो कि लाइफ आवर्स किसी पार्ट के मैक्सिमम होने चाहिए, तो उसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट इन सब जगह आपको काम आता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आपको काम नहीं आए, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपके एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो कहीं भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पड़े, या आपकी इंजीनियरिंग के कितने भी अदर सब्जेक्ट्स हों, जैसे बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस में आपको कई बार स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, कई बार करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, कई बार पावर सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, कई बार एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है ना, कई बार आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, इनपुट का मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और इस कॉन्सेप्ट को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे। और मैक्सिमा मिनिमा के भी दो टाइप्स हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कॉइन सिस्टम ले लिया मैंने, 2D ग्राफ है, अभी तक 2D में चल रहा है हम लोग, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास। तो मानो मैंने कोई ग्राफ बनाया ऐसा, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म, ये डोमेन है। एक तो ये है जिसमें फिक्स डोमेन है, और कई बार होता है कि आपको ये जो एक्सिस है ये पूरी डोमेन हो। तो पहले तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, होता क्या है। मैक्सिमम मिनिमा का मतलब देखो, नेम सजेस्ट कि जहां पर मैक्सिमम वैल्यू ले, मैक्सिमम वैल्यू जैसे आप यहां देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट लिया मैंने अगर ए, तो ए के आसपास देखो, ए से आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, ए प्लस एच, तो इससे कम हो गई वैल्यू। ऐसे ए के आप थोड़ा पीछे आओ तो आप देखो ये भी इससे कम है। तो अगर अपने आसपास क्लोज टू दैट रीजन, ये छोटे से रीजन में इसके आसपास में अगर ये सबसे बड़ा हो तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट आया ना आपको ए, ये है लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर आपके पास एक पॉइंट और है, जैसे ये बी है, तो आप इसके आसपास देखो, थोड़ा सा आगे गए आप तो वैल्यू बढ़ गया, थोड़ा सा और इसके पीछे गए तो भी वैल्यू बढ़ गया। तो इस केस में क्या होगा कि इसके आसपास आपने देखा तो वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लोकल मिनिमा। इसके राइट गए तो भी बढ़ा, लेफ्ट गए तो भी बढ़ा, तो ये क्या आ गया आपका, लोकल मिनिमा।
इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये क्या था? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इसका एल्जेब्रिक मतलब हो गया कि अगर जो एफ है फंक्शन का, जो वैल्यू है किसी पॉइंट पे एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच के बीच में आता है ना, तो अच्छा अभी रुको, ये तो इंक्रीजिंग वाला हो गया। जो एफ ऑफ ए है ये एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा होगा और ये एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा होगा, तो एफ ऑफ ए जो है वो दोनों से छोटा होगा। तो अगर दोनों से छोटा है तो ये क्या आ गया आपको? लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमा। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि एफ ऑफ ए जो है वो ए प्लस एच से भी बड़ा है और एफ ऑफ ए जो है वो ए माइनस एच से भी बड़ा है, तो इस जगह ए क्या हो जाएगा आपका? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ये हो गया, ठीक है, लोकल मैक्सिमा हो गया और एक लोकल मिनिमा हो गया। तो ये तो हो गया अपना कि फंक्शन से हमने एक एल्जेब्रिक डेफिनेशन दिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट क्लास के लिए आप लिख लेना, इसको बैठा रहा हूँ अभी, आप लिख लेना इसको। नेक्स्ट क्लास के मेरा जो हमने पढ़ा अभी फंक्शन कैलकुलस की हेल्प से, मैं कैसे बताऊंगा कि एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या एक पॉइंट लोकल मिनिमा है। अब आप देखो इसमें खास बात है इन सब में, है ना, जैसे ये भी लोकल मिनिमा हो गया ना और ये लोकल मैक्सिमा हो गया, तो आप इसमें खास बात देखो क्या है कि अगर मैं इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट का स्लोप है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब थीटा जीरो हो गया, मतलब टेन थीटा जीरो हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है वो जीरो हो गया। सिमिलरली आप मैक्सिमम पे भी ऑब्जर्व करो कि अगर ये वाला मैक्सिमम, थोड़ा मैंने साइड में बना दिया, ये मैक्सिमम है अगर, तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो यहां भी स्लोप जीरो है कि फंक्शन का स्लोप यहां भी जीरो हो गया, चाहे जो पॉइंट ले लो आप, अगर मिनिमम पे आपने देखा तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। ठीक है, तो आपने कोई भी पॉइंट देखा तो यहां पे क्या आ गया? स्लोप जीरो आ गया। या एक केस और है, ये भी हो सकता है कि यहां तो स्लोप जीरो आ जाए या स्लोप आए ही ना, मतलब जो डिफरेंशिएशन हो वो एग्जिस्ट ही ना करो, एक पीक ऐसा भी आ सकता था नहीं कि ऐसे बढ़ के यूं आके स्मूथली ऐसे हो जाए। तो ये भी क्या है? एक लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि अब इसकी रेंज देखो, ये बी से थोड़ा आगे लो जाओगे, ये अगर डी पॉइंट है तो डी से थोड़ा आगे गए तो घट गया, डी से पीछे गए तो घट गया, तो ये भी क्या है? लोकल मैक्सिमा है। पर यहां पे जो स्लोप है वो मल्टीपल टेंजेंट्स आ गई, तो जो डिफरेंशिएशन है आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो यहां पे क्या है? मल्टीपल स्लोप्स, मल्टीपल स्लोप्स। तो अब आप ध्यान से देखो मेरी बात को कि क्या कहा मैंने कि अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो या तो स्लोप जीरो हो जाएगा या स्लोप वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्लोप मतलब देयर आर मल्टीपल टेंजेंट्स, तो डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है डीवाई बाई डीएक्स जो आएगा वो या तो जीरो हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इनके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक, नहीं तो अगर मानो मुझे ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो मुझे तो ये सारे एक कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आपको सबको फंक्शन में प्लग इन करके देखना पड़ता कि अरे तू ज्यादा है, ठीक है, अरे तू कम है, तू ज्यादा है, सब देखने पड़ते हैं आपको पॉइंट्स, आई टेक एम्पल ऑफ टाइम आपको रिकॉग्नाइज करना, आप सबको प्लग इन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, इसने आपका सारा टाइम बचा लिया।
तो सिर्फ आपने वो पॉइंट देखे जहां पे डिफरेंशिएशन डीएफ बाई डीएक्स जीरो हो गया या स्लोप ऑफ टेंजेंट जहां जीरो आ गया, वो वाले पॉइंट देखे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स कम हो गए। तो जहां आपको ए बी डोमेन के सारे पॉइंट चेक करने पड़ते, अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कुछ ही पॉइंट। जैसे मानो ये वाला केस होता तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट मेरे पास आके निकल जाते कि यहाँ पे क्या होता कि डिफरेंशिएशन या तो जीरो होता या अनडिफाइंड होता। अब मैं इन पे चेक कर लेता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई मेरी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे क्या होगा के जो डेरिवेटिव है आपका, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, ये तो पहली खास बात हो गई, ठीक है। तो ये या तो मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सिमम भी हो सकता है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब आपको अगर पहचानना हो कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, अभी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसने ये तो कहीं नहीं बताया कि ये मैक्सिमा है कि ये मैक्सिमा है कि ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है। इसने तो कहा सर कि जहां पे स्लोप जीरो होगा वो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। पर इसने अभी तक ये नहीं बताया आपको कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा है। तो अब क्या है, इसके बाद हम लोग टेस्ट लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि लोकल मैक्सिमा कौन सा है और लोकल मिनिमा कौन सा है। तो उस टेस्ट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, एक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और एक एनथ डेरिवेटिव टेस्ट भी है, पर ये दोनों टेस्ट हमको इनफ हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको इनफ हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या है, पहली बात तो होगी कि हमने वो पॉइंट अलग कर लिए जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा था। अब मैं टेस्ट लगा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मेरा एम है, पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है मुझे और उससे पता करना है कि जो अब पॉइंट्स आए मेरे पास उनमें से लोकल मैक्सिमा कौन सा है और लोकल मिनिमा कौन सा है। अच्छा एक बात और, जिन पॉइंट्स पे स्लोप जीरो होता है या डीएफ बाई डीएक्स जीरो हो जाए, स्लोप जीरो का मतलब क्या होगा, वहां पे डीएफ बाई डीएक्स जीरो हो गया, उन पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, और स्टेशनरी इन पॉइंट की खासियत यही है कि इन पे क्या है, एफ डैश एक्स डीएफ बाई डी एक्स क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या करता हूं, अब मैं लगाता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, अगर मानो मेरे पास ये मैक्सिमा मुझे चेक करना है, इसका नाम दे दिया मैंने ई पॉइंट और इसका नाम दे दिया एफ पॉइंट। अगर मुझे चेक करना है कि ई एक मैक्सिमा है, आप ध्यान फरमाओ इस पे कि अगर ई के लेफ्ट साइड में देखोगे आप तो ये कर्व तो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर चुके हैं हम लोग। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में बताया था कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग में क्या बताया था कि एफ डैश एक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं वापिस से, नहीं देखेगा नहीं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग में। अब अगर आप डिक्रीजिंग आगे देखो तो आगे तो कर्व डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग कर्व का नेचर पता है कि इसमें क्या आएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम पहचानना है, लोकल मैक्सिमम उन पॉइंट्स में से जिनका स्लोप जीरो है, तो क्या देखोगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो वो क्या है आपका, लोकल मैक्सिमा, वो क्या है, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर देखो मिनिमा है तो पहले तो घट रहा है, डिक्रीजिंग है, तो यहां क्या आ गया, एफ डैश एक्स
लेस देन जीरो, और यहां क्या आएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, किसका साइन एफ डैश एक्स का, तो ये क्या है लोकल मिनिमा, और अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो ये क्या है लोकल मैक्सिमा। तो ई हो गया आपको लोकल मैक्सिमा और एफ हो गया आपको लोकल मिनिमा। ठीक, चाहे इस पॉइंट पे आप देखते हैं ये भी आपको क्या है एक लोकल मिनिमा पॉइंट है, यानी इसका नाम जी दे दिया। तो जी पे देखो पहले स्लोप क्या है नेगेटिव और बाद में क्या है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो ये भी क्या आ गया आपको लोकल मिनिमा। सिमिलरली ये पॉजिटिव है और इधर स्लोप इसमें क्या है नेगेटिव है, डी के पहले पॉजिटिव स्लोप डी के बाद में नेगेटिव, तो ये हो गया मैक्सिमा, कौन सा लोकल मैक्सिमा। ठीक, तो ये बात देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोला पहली बार कि अगर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, इट्स साइन फ्रॉम कहां से कहां तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज मिनिमा, लोकल मिनिमा, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज लोकल मिनिमा। दूसरी बार सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बदल दे तो जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक, तो अब हमने जो पॉइंट पहले किया कि सबसे पहले किया स्लोप जीरो किया एफ डैश एक्स जीरो किया, उससे पता पड़े कि इन्हीं पॉइंट्स पे या तो लोकल मिनिमा आएगा कि लोकल मैक्सिमा आएगा, अब उनमें से पता करना था कौन सा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। तो पहला टेस्ट लगाया एफ डैश एक्स का साइन देखा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया। इसमें एक आखिरी बात होती है वो ये होती है, पहले यहां बनाता हूं, कुछ तो मिटाना पड़ेगा, चलो इसको मिटा देते। कई बार क्या होता है ना, कई बार कर्व में ऐसा पॉइंट भी आता है कि जहां पे स्लोप जीरो तो हो पर वो ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। जैसे कि आप देखो हम लोग ग्राफ एक डिस्कस किया था, एक्स क्यूब का ग्राफ डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, है ना, ये आगे तक बढ़ता है ऐसे, ये भी ऐसे जाता है ऐसे, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो अगर आप इस ग्राफ की बात करो तो जो आपका ये पॉइंट आता है ना ये वाला, ये एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें स्लोप जीरो है, स्लोप क्या है जीरो है, पर आप देखो ना ही ये लोकल मैक्सिमा है और ना ही ये लोकल मिनिमा है, आप इसके आगे गए तो वैल्यू बढ़ गया और इसके पीछे गए तो वैल्यू घट गया। तो हमको लोकल मैक्सिमा चाहिए तो आगे में घटे पीछे भी घटे, मिनिमा चाहिए तो आगे बढ़े और पीछे बढ़े, तो इसके आगे घट बढ़ गया और पीछे घट गया, मतलब ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। इस पॉइंट को बोलते हैं जो पॉइंट ना लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो फिर भी उस पर स्लोप जीरो आ जाए, फिर भी उस पर क्या आ जाए स्लोप जीरो हो जाए, तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, जहां पे क्या है कि आपका ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है पर स्लोप इस पे जीरो आ जाता है, और स्लोप इस पे क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, तो स्लोप जीरो आने के बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है या कहीं पॉइंट इन्फ्लेक्शन तो नहीं हो गया। तो तीसरा केस इन्फ्लेक्शन वाला केस चेक करोगे कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो अगर आप देखो तो ये क्या है इंक्रीजिंग है कर्व, अगर आप x0 के राइट साइड में गए तो इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और लेफ्ट भी देखो तो भी बढ़ रहा है, तो एफ डैश एक्स यहां भी पॉजिटिव है। ऐसे ही हो सकता था कि कोई कर्व आपको आ जाए, कोई कर्व आपको ऐसा भी आ सकता है,
ये जिसपे यहाँ स्लोप जीरो है, अब आपने देखा ना ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है, और यहां देखो अगर आपने इसके लेफ्ट में देखा तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन जीरो। राइट में भी देखा तो भी एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन जीरो। अब दोनों ही अगर लेस देन जीरो है, दोनों ही अगर लेस देन जीरो है, मतलब क्या हुआ कि स्लोप ने अपना साइन चेंज नहीं किया, स्लोप ने अपना साइन चेंज नहीं किया, इस एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो भी है और यहां भी ग्रेटर देन जीरो है, एक जगह एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है और दूसरी जगह भी लेस देन जीरो है, तो स्लोप ने अपना साइन नहीं बदला। अगर स्लोप ने अपना साइन नहीं बदला तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो थर्ड पॉइंट लिख लो आप इसको, तो इसको भी साफ सुथरा अभी कर देते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं ऊपर से मिटाते हैं, थोड़ा ऊपर से मिटाया ही, ठीक है, और ऐसे बनाया पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट बनाया, ऐसे इसका नाम दिया पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, और इसके आगे क्या लिखा डेरिवेटिव टेस्ट का थर्ड पॉइंट कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, चेंज इट्स साइन। अगर एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया उस पॉइंट पे जिसपे स्लोप क्या था, या तो जीरो था या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो यानी क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आपने डेरिवेटिव टेस्ट करा और एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया, तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये बस एक फालतू पॉइंट है जो ऐसे ही आ गया है, तो इन फालतू पॉइंट्स को भी आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकाल सकते। पहली बात तो कोई भी पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो कैसे निकालोगे। अच्छा, इसको एक टर्म और बोलते हैं कि जो हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया था ना, उससे मैक्सिमा मिल सकता है और मिनिमा मिल सकता है। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा को दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सट्रीमास, एक्सट्रीमास, एक्सट्रीमास। इसमें दोनों आते हैं, मैक्सिमम भी आ गए और मिनिमम भी आ गया, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट। आप बोलते ना एक एक्सट्रीम आदमी के या तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचता है या बिल्कुल नेगेटिव सोचता है, तो एक एक्सट्रीमास है, एक्सट्रीमा में दोनों आ गया, मैक्सिमा भी आ गया और मिनिमा भी आ गया। एक्सट्रीमास निकाले आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से, उसके बाद आपने एक्सट्रीमा में से मैक्सिमा और मिनिमा को अलग अलग करने के लिए टेस्ट लगाए। अभी तक पहला टेस्ट देखा है हमने, अगर एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दे तो लोकल मिनिमा, और अपना साइन बदले ही ना तो वो हो गया आपको पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ठीक है। ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिखा है, ये एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, अगर देखने में दिक्कत हो तो देख लेना दोनों तरफ पॉजिटिव है। इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव लिखा है, इधर भी एफ डैश एक्स नेगेटिव लिखा है, तो अपना साइन ये चेंज नहीं कर रहा है, साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, सिर्फ एक फालतू पॉइंट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अभी तक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हुई है। इसके बाद देखो अगर मैं बोलूं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मतलब कि अपने आसपास देख रहे हैं। अब आप पूरी डोमेन में कोई मुझे कहे कि ए कमा बी में अगर मुझे कहे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉइंट बताओ, कि जब ए कमा बी है, मानो मैं नया फंक्शन बनाता हूं, कि अब मुझे कोई पूछ रहा है कि ए कमा बी में आपको कोई भी डोमेन है, इस डोमेन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉइंट बताओ, तो वो कैसे बताओगे। तो भी बहुत इजी है, इतना काम हो गया ना तब वो तो चुटके में कर लेंगे। वो कैसे बताओगे, देखो कोई भी अगर फंक्शन है आपके पास के ये मानो ऐसा कुछ फंक्शन था अपने पास, ये फंक्शन था, और आपको अब इसमें बताना है कि कौन सा लोकल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो पहचान चुके हैं, आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है एबी में, सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप देखो तो ग्राफ से तो ये दिख रहा है मुझे सबसे बड़ा,
और सबसे छोटा ये है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉइंट कौन सा आ सकता है? या तो जो आपके पास लोकल मैक्सिमा से लोकल मिनिमा थे उनमें से कोई पॉइंट आएगा, या एंड पॉइंट आएगा। यहां क्या आएगा? एंड पॉइंट आएगा। इसको देखने के लिए आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पहला स्टेप लगाओ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, आपने स्लोप जीरो करके देखा, इससे आपको क्या मिले, स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स आ गए आपके पास जिनमें या तो लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं या वो लोकल मिनिमा होते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट दोनों केस देखे थे हमने, है ना। तो वो वाले पॉइंट देखे जहां पे स्लोप जीरो हो जाए या एग्जिस्ट ना करे तो क्या हो गया, वो क्रिटिकल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के बाद आपको डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना। इसमें क्या आ गया, आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए, मानो आपके पास आ गया एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, इन पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। अब आप क्या करो, इनके अलावा केवल एंड पॉइंट्स ही ऐसे बचते हैं यहां पे, या तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी या सबसे कम वैल्यू होगी, नहीं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है और जिसपे या सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाए या सबसे कम वैल्यू हो जाए। तो आपको सेकेंड स्टेप क्या लिखना है कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू आपने निकाल के देखा, एफ ऑफ बी का वैल्यू आपने निकाल के देखा, एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू आपने निकाल के देखा, ये मैंने तीन ही लिए हैं, कितने भी आ सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टू का आपने निकाल के देखा और एफ ऑफ एक्स थ्री और सो ऑन जितने भी आ सकते हैं, ये सब वैल्यूज आपने निकाल के देखे। इसमें से थर्ड स्टेप क्या है, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आए, मैक्स वैल्यू आए, वो क्या होगी, ग्लोबल मैक्सिमा, वो पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा होगा वो। और इनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू आए, ये जो निकाल रहा आपने कुछ वैल्यूज, इनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपको, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा। ठीक, तो इसमें आपको कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना पड़ा क्योंकि मुझे पक्का पता है कि यहां पे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे जिनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉइंट मिलेगा या एंड पॉइंट, इनके अलावा ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं हो सकता जिसमें आपको यहां पे ग्लोबल मैक्सिमम मिल जाए या ग्लोबल मिनिमम मिल जाए। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब जो पूरी डोमेन में सबसे बड़ा पॉइंट सबसे बड़ा वैल्यू देगा, ग्लोबल मिनिमम मतलब जो पूरी डोमेन में सबसे छोटी वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम मतलब जो अपने आसपास सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, लोकल मिनिमम मतलब जो अपने आसपास सबसे बड़ा हो। ठीक, तो ये अंतर हो गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। इसको चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया हमने, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए, और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट देख लिया जो फालतू पॉइंट है जिसपे स्लोप तो जीरो है, जिसपे स्लोप तो जीरो है पर ना ही वो मैक्सिमा है ना ही वो मिनिमा है, वो एक फालतू पॉइंट है जो ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया आपका, इसके बाद देखेंगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस।